फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाई जे ब्लॉग्स। और मैं हूँ जे और ये मिस्टर वाई। और आज हमारा सफ़र नौकुचियाताल तक जा रहे हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर ताल है और बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ के। नौ कोने बताए जाते हैं कि नौ कोने हैं उस ताल में, पर अभी तक मुझे तो ऐसे कुछ दिखे नहीं नौ, पर आज मैं सोच रही हूँ कि जाके सर्च किया जाए। और ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर रानी बाग एक जगह है, वहाँ पर पहुँचे हुए काठ गोदाम से आधा एक किलोमीटर दूर। ये देखिए मिस्टर योगेश मेहरा जी ड्राइविंग कर रहे हैं। आज हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। देखिए यहाँ से नैनीताल 32 किलोमीटर, रानीखेत 82 और भीमताल 17। हम लोग ये भीमताल के रास्ते जाएंगे। सलाड़ी पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, मतलब मार्केट ही समझ लीजिए, ग्रीन वैली एडवेंचर है, जिसमें क्वाइट बाइक एक्सट्रीम्स मिलती है जिसे आप लोग चला सकते हैं। यहाँ पर एक एडवेंचर है बहुत बढ़िया, ये आपको दिख रहा होगा आगे। देखिए बहुत सारा ट्रैक्स बने हुए हैं। ये देखिए इसका बोर्ड है और यहाँ ऊपर पे जाके ये होता है। आप लोग यहाँ जब घूमने आए भीमताल यहाँ जा सकते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा, आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ी पहाड़। तो दोस्तों ये हम भीमताल, बस यहाँ से 4 किलोमीटर है। और जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सुसाइड पॉइंट है। पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो वोटो खिंचाया करते थे, एक यहाँ से एक्सीडेंट भी हो गया था, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने रेलिंग लगा दी है। हमने भी यहाँ पे पहले बहुत फ़ोटो खिंचाई हैं, जो आप टॉप देख रहे हैं उसके टॉप पे खड़े होके, लेकिन अब ये बंद हो गया है। जाने के लिए अभी भी जा सकते हैं लेकिन सही नहीं है। भीमताल में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ये बस भीमताल में एंटर कर चुके हैं हम। यहाँ से अब हम निकल जाएंगे नौकुचियाताल, जो भीमताल से 4-5 किलोमीटर। बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी क्योंकि मौसम ठंडा है। नेक्स्ट मंथ है तो यहाँ पर सारी आपको ये जो ताल दिख रहा है इसमें बोटिंग बोट नज़र आएंगी, आप बोटिंग कर सकते हैं। भीमेश्वर मंदिर भीमताल के बिल्कुल पास में ही ये ताल के दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए मंदिर का नज़ारा, और ये नीचे एक रास्ता है जो मंदिर जाने के लिए है, लेकिन ये अभी बंद है। लोग यहाँ पर फोटोग्राफ ले रहे हैं, स्टाफ खींच रहे हैं, अपनी क्लिक्स कर रहे हैं। कॉर्नर्स भी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए क्यूरम आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये जो एरिया है यहाँ पर आप बोटिंग यहाँ से आप ले सकते हैं, बोट लेके आप पूरे ताल का और एक्यूरम में जा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं भीमताल। अगर आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हैं तो ये 250 रुपये प्रति बोट, दो बड़े दो बच्चे। और ये है बोटिंग स्थल जैसा आप देख रहे होंगे चारों तरफ से। यहाँ एक छोटी सी मार्केट लगी रहती है जहाँ का कि खाने पीने मैगी और चाय मोमोज ये आपको सब चीज़ मिलेंगे, सिमो कढ़ी चावल खा रही हैं ये। जब भी यहाँ आती हैं तो ये कढ़ी चावल पक्का खाती हैं, ये इनका फेवरेट है कढ़ी चावल। हाँ
भीमताल और नौकुचियाताल में ये देखिए पैराग्लाइडिंग होती है जो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी आकर्षक है। 1000 रुपये इसका चार्ज होता है, आपके साथ गाइड भी रह जाएगा बैठने के लिए इसमें ताकि आपकी सेफ्टी रहे। अब ये देखिए ये जो पैराग्लाइडिंग वाला पैराशूट है नीचे को आ रहा है, अब ये यहाँ पर लैंड हो जाएगा और आप इसके मज़े ले। फ्रेंड्स यहाँ पर नौकुचियाताल से 1 किलोमीटर पहले ये हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है, ये इस पर कलाकारी बहुत अच्छी की गई है। और ये गुफा यहाँ पर एक वैष्णो देवी की गुफा भी है जो बहुत ही सुंदर लगती है और ये मंदिर बहुत ही प्यारी जगह पर और बहुत ही प्यारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना प्यारा व्यू है और बहुत सुंदर। माँ वैष्णो देवी की गुफा आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह बनाया गया है। ये देखिए ये इसमें ये पत्थर चिपकाए गए हैं, ये ऐसे कुछ है। अगर जो थक जाएगा, बहुत लंबी गुफा है इसलिए यहाँ पे बैठने के लिए भी है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं वैसे। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और फिर ये इस तरह से कुछ, यहाँ पे पहले पानी के फुव्वारे थे, ये आपको जैसे दिख रहे होंगे लाइटिंग। और ये आ गए हम लकड़ी के पुल पे, साल काय मूर्ति इच्छा पूर्ति हनुमान। और जय माता दी, जोर से बोलो। गुफा परिक्रमा मार्ग ये है यहाँ से, लेकिन बहुत अंधेरा है। देख रहे हैं कितने कारीगरी से बनाई गई है गुफा। और इसी के संग हमने ये परिक्रमा पूर्ण कर दी है। आप यहाँ से, ये बंद है, हम यहीं से आए थे, अब यहाँ से हर जाने का रास्ता भी यहाँ से है। ये देखिए ये मंदिर इस तरफ से है, ये देखिए यहाँ से कुछ अंदर जाने का रास्ता यहाँ से। यहाँ पर आप ध्यान पर बैठ सकते हैं, बहुत ही शांति मिलती है। और ये विश मारने के लिए देखिए विश बॉक्स बनाया गया है जिस पे लोग अपनी पर्चियाँ लिखकर इस बॉक्स में डालते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर पर्ची डालने से विश पूरी होती है, आप देख सकते हैं। हमने ये छोटा सा फॉर्म है वो फिलअप कर दें आप। ये 1 करोड़ साधक जो है ये हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लक्ष्य है, अब तक हम लोग 10 लाख कर चुके हैं। 10 लाख और ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पर इन्होंने एक वो निकाला है कि हम लोग इसे ग्रीनिज बुक रिकॉर्ड में भेजेंगे, तो हमने तो अपना नॉमिनेशन इसमें कर दिया है आप दोनों फॉर्म हनुमान चालीसा पे, तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए ताकि हनुमान चालीसा जो है ग्रीनिज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सके। तो आप लोग आइए यहाँ पर ज़रूर देखें। भक्ति आश्रम जो कि नौकुचियाताल से 1 किलोमीटर पहले है और ये मोना माई का है, इन्होंने 62 साल तक मौन धारण किया था, इस वजह से इनका नाम मोना माई पड़ा है। और ये बाबा नीम करोली महाराज की शिष्या थी। और ये देखिए ये एक भक्ति पीठ है, यहाँ आप साधना कर सकते हैं। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, यहाँ बहुत शांति है। तो जो ये नौकुचियाताल है दोस्तों, इससे पहले ये पड़ता है कमलताल, आपको यहाँ दिख रहे होंगे कमल के पत्ते। ये इसमें भी कमल खिले नहीं हैं लेकिन खिल जाएंगे। ये छोटा सा इस तरफ ये पूरा कमलताल का नज़ारा। और ये देखिए ये नौकुचियाताल हम आ चुके हैं और यहाँ पे पहनने के लिए ड्रेसेस भी मिलती हैं। और भैया कह रहे हैं कि 100 रुपीज़ में आपको ड्रेसेस में फ़ोटो भी मिल जाएगी बनके तैयार होके। और यहाँ पे देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फोटोज़ है। और ये देखिए यहाँ पे कश्मीरी स्टाइल में भी बहुत सारी नाव हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। देखिए ऐसे क्या वो कर रही है पानी बनने जा रही हूँ। चलो जाओ जाओ। अरे देखिए यहाँ पे कितनी सारी बत्तियाँ हैं, ताल था। और ये तल्ली ताल नौकुचियाताल का सेकंड पॉइंट। और यहाँ से यहाँ पे मैगी वैगी की ये दुकानें हैं,
रेस्टोरेंट्स है क्या? दोस्तों ये हम नौकुचियाताल पे हैं और यहाँ से देखिए एक अंदर एक रास्ता जाता है, काफ़ी आपको दिख रहा होगा रास्ता, थोड़ा साइड हटेंगे मेरा जी तो लोगों को दिखेगा। ये देखिए ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। अब हम इस रास्ते में जाने वाले हैं, पूरा जंगल का रास्ता है ये, नौकताल के बिल्कुल बगल बगल में जा रहे हैं हम लोग। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर बहुत शांति है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, खाना वाना कुछ लाए हैं तो खा सकते हैं। बहुत अच्छा है नौकुचियाताल का व्यू और आप देख सकते हैं हमने आपको पूरा नौकुचियाताल घुमा दिया है। तो यारो आज का टाइम आ गया है कि इस ब्लॉग को ख़त्म किया जाए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारी वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही घुमाते रहेंगे, नई नई जगहों पे दिखाते रहेंगे और इसलिए हमारा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू। और बेल आइकन को ब्लू कर दीजिएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग YJ ब्लॉग्स यो।